कहानी की शुरुआत में हमें एक वाटर डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम हून होता है। हून अपना काम करते हुए एक प्लेग्राउंड से गुजर रहा था। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी खेल रही थी। तभी उन दोनों की नजर नीचे पड़े एक कॉइन पर पड़ती है तो दोनों झपट्टा मारने के लिए भागते हैं, लेकिन हून पहले पहुँच कर उस कॉइन पर अपना पैर दबा देता है, जिसके बाद वो बच्ची हून से कहती है कि अगर इस कॉइन के ऊपर की साइड हेड आया तो कॉइन मारा होगा और अगर टेल आया तो ये कॉइन मेरा। हून के पैर हटाते ही वो बच्ची उस कॉइन को उठा लेती है, जिसके बाद हून उस बच्ची से कॉइन छीनने लगता है, लेकिन कॉइन छुड़ाते वक्त हून देखता है कि उस लड़की की एक उंगली में फ्रैक्चर है और खुद की उंगली में चोट होने के बाद भी उस बच्ची को इसका कोई एहसास नहीं है। जिसके बाद हून एक आइसक्रीम की स्टिक उठाता है और फिर उस बच्ची के बालों में से लगे बैंड को निकाल कर उस स्टिक को उसके उंगलियों पर अच्छे से बांध देता है। उसकी उंगली पर ट्रीटमेंट करने के बाद हून उस बच्ची से उसकी फीस मांगता है, जिस पर वो बच्ची उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें ट्रीटमेंट करने को कहा ही नहीं था। तभी वहाँ पर उस लड़की के डैड आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची के उंगलियों में लगे हुए सपोर्ट को देख कर समझ जाते हैं कि उससे चोट लगी है, इसीलिए वो तुरंत अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उस बच्ची की उंगली को देख कर डॉक्टर उसके डैड से कहते हैं कि आपकी बेटी की उंगली टूट चुकी है, लेकिन जिस किसी ने भी इसके उंगलियों पर सपोर्ट बांधा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद वो डॉक्टर एक नर्स से बोलकर उन्हें एक्सरे रूम की तरफ जाने को बोलते हैं। नर्स उन्हें फ्लोर पर बने ब्लू लाइन को फॉलो करने को कहती है, जो उन्हें सीधे एक्सरे रूम तक ले जाएगी। जब वो दोनों बाप बेटी एक्सरे रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में हून मिल जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में वाटर की डिलीवरी देने आया था। हून उस बच्ची के डैड से बात करता है, तभी उसके डैड को चेस्ट पेन होने लगता है, जिसके बाद हून उसके चेस्ट पर हाथ रख उससे पूछता है कि क्या आपको सोते वक्त सांस की कमी होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए वो एक चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे और ज्यादा चेस्ट पेन होने लगा था। तभी हॉस्पिटल में बहुत सारे घायल लोग आ जाते हैं, जिनका एक बस एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ भागते हुए जाते हैं, जिससे एक भी डॉक्टर उन लोगों की तरफ नहीं आ पाता, जिससे छोटी बच्ची के डैड बेहोश होने लगते हैं। जिसके बाद वो छोटी बच्ची वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर और नर्स से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जिससे अपने डैड के लिए वो बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से चीखने लगती है। फिर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स, नर्स और घायल पेशेंट का ध्यान उस पर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग अपने काम में मसरूफ रहते हैं। लेकिन तभी उन डॉक्टर में से एक सुहयोन नाम की एक डॉक्टर उस छोटी बच्ची के पास आती है, जिसके बाद ये बच्ची सुहयोन को अपने पापा की तरफ ले जाती है। फिर सुहयोन उसके पापा को चेक करने लगती है। सुहयोन डॉक्टर किम को उस आदमी का एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाने को बोलती है और खुद दूसरे पेशेंट को देखने लगती है। हून को उस बच्ची के पापा की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उनके पास आकर उन्हें लिफ्ट से डॉक्टर किम के साथ एक्सरे रूम की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट में ही बच्ची के डैड बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसके बाद हून और डॉक्टर किम उसे जमीन पर लेटा देते हैं। डॉक्टर किम उस आदमी के इलाज के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने चला जाता है। हून उसके चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे कार्डिक अरेस्ट आया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की माता है और वो उसे सांस देने के लिए एक पाइप को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। फिर हून उसे बताता है कि इसे कार्डियक अरेस्ट आने के चलते हार्ट फेल हो रहा है, इसीलिए मैं जो कहता हूँ तुम वही करो। उसकी बातों का यकीन करने के लिए डॉक्टर की उसके हार्ट बीट को चेक करता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि हून सही कह रहा है, इसीलिए डॉक्टर की उसे CPR देने लगता है। तब तक एक नर्स इलेक्ट्रिक करंट डालने वाली मशीन ले आती है। हून उसका यूज करके उस आदमी के चेस्ट पर करंट देने लगता है, जिससे उसकी हार्ट बीट सही होने लगती है और फिर ये लोग स्ट्रेचर की मदद से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर किम बाकी के डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाता है, लेकिन सारे डॉक्टर एक्सीडेंट वाले पेशेंट को हैंडल करने में लगे हुए थे। अपने डैड के ऑपरेशन में देरी होने पर छोटी बच्ची रोने लगती है और
खून को उसके डैड का ऑपरेशन करने को बोलती है। खून उससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए छोटी बच्ची उसे क्वेन उसकी फीस के तौर पर देती है जिसे उसने सुबह ही उससे छीना था। अपने डैड को बचाने के लिए उस बच्ची को रोते हुए देखकर हुन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हुन ऑपरेशन सूट पहनकर उसके डैड का ऑपरेशन करने लगता है। बाकी के डॉक्टर उसे नोटिस कर उसे भगाने लगते हैं, लेकिन हुन वहाँ से नहीं जाता और ऑपरेशन करने लगता है। जब वो उसकी बॉडी पर कट लगाता है तो उसका खून नहीं बहता। ये देखकर साइड में खड़े डॉक्टर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतना एक्यूरेट कट कोई भी नहीं लगा सकता। ऑपरेशन को दूर से देख रहा डॉक्टर मून डॉक्टर किम से पूछता है कि उसका खून क्यों नहीं बह रहा, जिस पर वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी हमें पता चलता है कि वाटर कैंस की डिलीवरी करने वाला हुन नॉर्थ कोरिया का टॉप सर्जन है, मतलब वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता लगता है कि हुन के पास बहुत अच्छी मेडिकल स्किल्स है, जिसमें जब वो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था तभी वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लेकिन हुन घबराए बिना बगैर इलेक्ट्रिसिटी के उस ऑपरेशन को सफल बनाता है जिससे उस पेशेंट की जान बच जाती है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब हुन ऑपरेशन कर रहा होता है तो ऑपरेशन थिएटर में सुहयोन आ जाती है जो हुन को आउटसाइडर समझते हुए उसे ऑपरेशन बंद करके वहाँ से बाहर जाने को बोलती है, जिस पर हुन उसे कहता है कि जब तक उस आदमी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हुन को वहाँ मौजूद डॉक्टर सपोर्ट करते हुए सुहयोन को हुन से ऑपरेशन के बाद मिलने को कहते हैं, लेकिन सुहयोन उनकी बात नहीं मानती और हुन को वहाँ से भगाने के लिए सिक्योरिटी को बुला लेती है। और जब तक वो उनको हुन के बारे में बताती है तब तक हुन उस आदमी का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुहयोन हुन को सिक्योरिटी की मदद से ढूंढ लेती है और उस तक पहुँचते ही वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है क्योंकि उसने किसी का इल्लीगली ऑपरेशन किया था। जिस पर हुन भी खुद को डिफेंड करता हुआ कहता है कि जब उस पेशेंट को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम लोगों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सुहयोन उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसे मारने लगती है, लेकिन इस बार हुन उसे रोक लेता है। तभी सुहयोन के पास डॉक्टर किम का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उस बच्ची के डैड को पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर सुहयोन हुन को कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन हुन उसके बातों को काटते हुए उसे एक मेडिसिन का नाम बताता है और उसे वो मेडिसिन उस आदमी को देने को बोलता है जिससे उसकी कंडीशन सही हो जाएगी। दूसरी तरफ उस बच्ची के डैड के पास डॉक्टर जून आता है जो उसकी हालत देखकर डॉक्टर किम को वही मेडिसिन बताता है जिसे हुन ने सुहयोन को बताया था, जिसे देने पर उस पेशेंट की हेल्थ में सुधार होने लगती है। ये सब बातें सुहयोन अपने फोन से सुन रही होती है जिससे उसे पता चलता है कि हुन एक स्किल्ड सर्जन है, लेकिन फिर भी वो उसे अरेस्ट करवाने पर तुली थी। तभी डॉक्टर जून उनके पास आकर उनकी बात काटते हुए उनसे कहता है कि हुन ने किसी की परमिशन लिए बगैर ही एक पेशेंट का ऑपरेशन किया जो कि इलीगल है, लेकिन उसके इस लीगल काम ने एक पेशेंट की जान बचाई है इसीलिए वो लोग उसे जाने दे। लेकिन उनकी एक शर्त है कि हुन दोबारा कभी उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखेगा। उनकी बात मानते हुए हुन उस हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर मून आता है जो हुन को ऑपरेशन करते हुए देख रहा था। वो हुन को पकड़ कर उसके करे हुए काम का इनाम देना चाहता था, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए हुन उस हॉस्पिटल से अपनी वैन लेकर अपनी क्लिनिक भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी क्लिनिक पर डॉक्टर मून उसे ढूंढते हुए आता है जो उसे उनकी ऑपरेशन टीम को ज्वाइन करने को बोलते हैं, और उसके ज्वाइन करते ही वो उसे डाउन पेमेंट के तौर पर $50,000 देने की बात करते हैं। शुरुआत में तो हुन हेजिटेट करता है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट को देखकर उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब हमें एक बार फिर से कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जब हुन नॉर्थ कोरिया के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन था। एक दिन उस हॉस्पिटल में उसे एक ऑफिसर ऑर्डर देता है कि उसे एक आदमी का किडनी ट्रांसफर करना है जिसकी किडनी की डोनर उस आदमी की बेटी है। जब वो उस लड़के को देखता है तो उसकी नजर
उसके हाथों में लगे रेड बैंड पर पड़ती है। ये वही बैंड होता है जिसे उसने अपने बचपन में अपनी एक फ्रेंड जे को दिया था। जब वो उस पर लगे कपड़े को हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी की बचपन की दोस्त है जिसे नॉर्थ कोरिया के ही गवर्नमेंट ने किडनैप किया था। इसीलिए हुन उस आदमी की जगह उस आदमी की बेटी जे जो उसकी फ्रेंड है उससे बचा लेता है और उसका इलाज कर उसे वहाँ से ले जाता है। और इस बारे में जब वहाँ के गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो अपने ऑफिसर को उसके पीछे लगा देते हैं। उनका जे के साथ नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में भागने का प्लान था और जब वो नॉर्थ कोरिया से भाग रहे थे तो उन पर अटैक होने लगते हैं। इसीलिए हुन को बचाने के लिए जय हुन पर चलने वाली गोली खुद ले लेती है। जय को बचाने पर हुन को भी गोली लग जाती है। इसमें जय तो मारी जाती है और हुन को साउथ कोरिया के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं जिससे वो नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर से बच जाता है। थोड़े दिन बाद साउथ कोरिया में मौजूद हुन को पता चलता है कि जय अभी भी जिंदा है जिसे नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। अपने प्यारे जय को वापस पाने के लिए हुन एक लिम्ब नाम के एजेंट के पास जाता है जो लोगों को नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू करवाता था। लिम्ब हुन को जय की एक वीडियो दिखाकर उसे कंफर्म करता है कि वो अभी भी जिंदा है लेकिन उसे नॉर्थ कोरिया के एक कैंप में रखा गया है और उसे वहाँ से साउथ कोरिया लाने के लिए $50,000 लगेंगे लेकिन उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उसे जय को छुड़ाने के लिए $50,000 की जरूरत थी। इसीलिए उसने डॉक्टर मून का प्रस्ताव को मान लिया था। लेकिन कुछ देर बाद हुन को उसके एक फ्रेंड चंगी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसने हॉस्पिटल में जय को देखा है। ये सुन हुन तुरंत डॉक्टर मून के साथ हॉस्पिटल जाकर जय को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वो लिम्ब के पास जाकर उससे झूठ बोलने पर उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जय कहाँ है क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा। जिस पर लिम्ब उसे कहता है कि उसने किसी और को देखा होगा क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो वो खुद उसे कॉन्टेक्ट कर लेती। उसकी बात सुन हुन वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके जाते ही एक अनोन आदमी लिम्ब के पास आता है जो उसे पैसे देता है और उसे हुन और जे के बारे में बताने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मून हुन को उसके $50,000 का चेक देता है जिसके बाद हुन उन चेक को लेकर लिम्ब के पास वापस जाता है और उसे ये चेक दे देता है और फिर जे को नॉर्थ कोरिया से लाने का काम देता है लेकिन हुन उसमें से आधा चेक फाड़ देता है जिससे लिम्ब शॉक हो जाता है। फिर हुन उसे कहता है कि वो उसे आधे पैसे ही देगा और बाकी के पैसे वो उसे काम होने के बाद देगा। इसके बाद हुन वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसे हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलाया जाता है लेकिन वहाँ पर सुहयोन और हुन आपस में बहस करने लगते हैं। फिर उस हॉस्पिटल में अगले दिन एक बूढ़े पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है और बाकी के डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग अब क्या करें। सारे डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर अपने हीरो हुन की एंट्री होती है जो उस पेशेंट को CPR के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और इसी में हुन उस औरत की हाथों को देखता है जिसमें वैसा ही रेड बैंड लगा होता है जैसा उसने जे को दिया था। इसीलिए वो उस औरत की इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे दूसरे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। हुन की इस हरकतों को नोटिस करते हुए सुहयोन उस पर गुस्सा करने लगती है लेकिन हुन उसे इग्नोर करके अपने पेशेंट की जान बचाने पर ध्यान देता है ताकि वो उससे इस रेड बैंड के बारे में जान सके। जिसके बाद हुन ट्यूमर रिमूवल सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगता है और दूसरी तरफ सुहयोन उस रेड बैंड वाली पेशेंट के पास खड़ी होती है जहां हमें पता चलता है कि ये पेशेंट सुहयोन की मॉम होती है जो उसे बचपन में ही उसे उसके अमीर डैड जो इस हॉस्पिटल के मालिक है उनके पास छोड़कर चली गई थी लेकिन वो अभी तक ये नहीं जान पाई कि क्यों उसकी मॉम उसे छोड़कर गई थी। इसीलिए जब हुन उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहा था तो वो उस पर चिल्ला रही थी ताकि उसकी मॉम को ज्यादा परेशानी ना हो। और जब उसकी मॉम होश में आती है तो अपनी मॉम को बचाने के लिए सुहयोन अपने बॉयफ्रेंड रून को बुलाती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसे सुहयोन के डैड ने उसकी मॉम का ऑपरेशन करने से मना किया था क्योंकि उसकी मॉम
टॉम की जान बचने का सिर्फ 5% ही चांस था, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अपनी मॉम की जान बचाने के लिए सुहयोन हून के पास जाकर उसे कॉइन देती है और उसे उसकी मॉम की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हून उसकी ऑपरेशन में मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हून वहाँ पहुँचता है। जब सुहयोन अपनी मॉम का ऑपरेशन कर रही होती है तो वहाँ पर इस हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर ओ भी मौजूद होता है, जो सुहयोन के डैड थे। डॉक्टर ओ हून को ऑपरेशन करने से मना करता है। इस पर हून उनसे कहता है कि सुहयोन ने उसे इस ऑपरेशन को करने का परमिशन दिया है, जिसके बाद वो ऑपरेशन के लिए चला जाता है। डॉक्टर ओ के पास जून भी आता है। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी जब ये लोग सुहयोन की मॉम का ट्यूमर निकाल रहे होते हैं तो उनका हार्ट फेल होने लगता है, जिसमें सुहयोन की मॉम की डेथ हो जाती है। सुहयोन इस बात को मान ही नहीं रही थी कि उसकी मॉम अब जा चुकी है और वो अकेले ही अपनी मरी हुई मॉम का ऑपरेशन कर रही थी, और इन सब में कोई भी सुहयोन के साथ खड़ा नहीं होता सिवाय हून के। हून उसके पास रहकर उसको सपोर्ट करता है। उसे ऐसा करते हुए दूर से जून देख रहा होता है। अगले दिन हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ की एक मीटिंग बैठाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर ओ के मना करने पर भी हून ने सुहयोन के साथ उसकी मॉम का ऑपरेशन किया था। उस मीटिंग में जून हून को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांस बहुत कम थे, और ये बात हून को मालूम थी, फिर भी उसने उसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद हून सुहयोन से उसकी मॉम को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है, जिस पर सुहयोन उनसे कहती है कि इसने मेरे कहने पर ये काम किया और उसने अपना बेस्ट दिया था, तो हमें अब इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जून उसको टारगेट करता रहता है कि उसने ये ऑपरेशन ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया है। सरप्राइजिंगली हून अपनी गलती न होने पर भी अपनी गलती मानता है, क्योंकि वो इन सब में सुहयोन को घसीटना नहीं चाहता, क्योंकि कल ही उसने अपनी मॉम को खोया था। हून उसे इस इशू को खत्म करने को कहता है, क्योंकि वो अब यहाँ से जा रहा है। तभी हून जून को उसकी गलती बताता है कि वो पेशेंट के सर्वाइवल चांस पर ही टिका रहता है। अब इस बार तो जून भी चुप रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ही गलती होती है। सब लोगों के जाने के बाद सुहयोन जून को बताती है कि वो ऑपरेशन खुद नहीं कर पाया, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हून पर निकाल रहा है। सुहयोन के मुंह से ये सुनकर जून को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हून की तारीफ कर रही थी। थोड़ी देर के बाद सुहयोन अपनी मॉम के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। वहाँ पर वो अपनी मॉम की पुरानी डॉक्टर जेइस से मिलती है, जो उसकी मॉम के घर का गेट खोलकर उसे अंदर ले जाती है। घर में जाकर सुहयोन को उसकी मॉम की कलेक्ट की हुई फोटोग्राफ मिलती है, जिससे कि उसे समझ आता है कि उसकी मॉम उसे कितना प्यार करती थी। सुहयोन की मॉम की डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम का मानना था कि तुम अपने अमीर डैड के पास ही ज्यादा खुश रहोगी। ये सुनकर सुहयोन बुरी तरह टूट जाती है और जेइस से गले लगकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हून के पास लिम्ब का कॉल आता है, जो उसे उसके क्लिनिक के पास में आने को बोलता है और उसे साथ में बाकी का पेमेंट भी लाने को कहता है। लेकिन जब तक हून लिम्ब के पास पहुंच पाता, इससे पहले एक अनजान आदमी एक ट्रक को लिम्ब की कार से ठुकवा कर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। इस आदमी का नाम जीन होता है, जो नॉर्थ कोरिया का ही एक ऑफिसर है, और ये वही ऑफिसर है जिसने हून को किडनी ऑपरेशन करने को बोला था। उसे वहाँ के गवर्नमेंट ने हून का नॉर्थ कोरिया के बाहर न जाने देने का ऑर्डर दिया था, लेकिन हून के जाने के बाद उसका मिशन फेल हो गया, जिसकी सजा में उसे अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी, जिसके बाद उसे उसके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया गया, और इसी का बदला वो हून से लेना चाहता है। प्रेजेंट में एक्सीडेंट होने के कारण लिम्ब बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी की जरूरत है। इसीलिए हून उसे तुरंत ही अपने क्लिनिक में लाकर उसके ऑपरेशन की तैयारियां करने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर मून भी आ जाता है, जो हून को रोकता है और उससे कहता है कि उन्हें एम्बुलेंस के आने का इंतजार करना होगा। लेकिन हून लिम्ब का ऑपरेशन चालू कर देता है, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में देरी हो सकती है, जिससे इसकी जान को खतरा भी है। जब हून उसका ऑपरेशन करता है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण लिम्ब की बोन के टुकड़े उसके हार्ट में घुस चुके हैं। लेकिन हून लिम्ब का सक्सेसफुली ऑपरेशन करके उसकी जान बचा लेता है। उसकी
ऑपरेशन स्किल देखकर डॉक्टर मून भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि होन ने कम लैट और कम सर्जरी इक्विपमेंट के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया था। थोड़ी देर के बाद वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाता है, जिसमें लिम को डालकर ये लोग उसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर जब होन लिम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो उसे मिलता ही नहीं। लिम के बारे में होन हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट से भी पूछता है, लेकिन उसके बारे में वहाँ मौजूद किसी भी स्टाफ को नहीं पता था। तभी होन के पास लिम के एक नंबर से मैसेज आता है कि वो चाइना के लिए निकल रहा है और वो उसे कभी नहीं मिलेगा। उससे बात करने के लिए होन जब उसे कॉल करता है तो लिम उसका कॉल नहीं उठाता। तभी हम देखते हैं कि लिम का फोन जिन के पास होता है और वो ही होन को लिम्ब बनकर मैसेज कर रहा है। उसने ही लिम्ब को हॉस्पिटल से बाहर पहुंचाया है, क्योंकि अगर लिम्ब होन को बता देता कि उसकी फ्रेंड जे साउथ कोरिया में ही है तो जीन का मिशन फेल हो जाता। तभी होन को रियलाइज होता है कि उसकी फ्रेंड चैंग ये ने जेई को हॉस्पिटल के हॉलवे में देखा था, इसीलिए वो उसकी बात की पुष्टि करने के लिए हॉस्पिटल का कैमरा चेक करने जाता है, जिससे उसे जेई के बारे में कुछ पता चले। इसके लिए जब वो सिक्योरिटी रूम में जाता है तो वहाँ के गार्ड उसे धक्के मार कर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ होन की गर्लफ्रेंड जेई के बारे में जब सुहेओन को पता चलता है तो वो होन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुहेओन और होन रात होते ही सिक्योरिटी रूम में जाकर पूरे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगते हैं, जिनकी एक फुटेज में उन्हें जेई के जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन वो उसके फेस को फुटेज ब्लर होने की वजह से ठीक से नहीं देख पाते, जिससे होन उसे पहचान नहीं पाता। तभी सुहेओन को याद आता है कि दिन में जब अपनी मॉम के घर पे वो जिस डॉक्टर से मिली थी वो यही है, और इस बारे में जब सुहेओन होन को बताती है तो होन उसे अपने घर ले जाकर जेई की वही फुटेज दिखाता है जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के एक कैंप में बैठी थी। सुहेओन उसे बताती है कि ये वही है जिसे वो सुबह अपनी मॉम के घर पे मिली थी। जेई के बारे में और जानने के लिए होन और सुहेओन उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ सुहेओन की मॉम पहले से एडमिट थी। वहाँ जाकर भी उन्हें रिसेप्शनिस्ट से जेई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब वो उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं तभी वो देखते हैं जेई खुद उनके सामने चलते हुए आ रही है। उसे देखते ही होन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कभी जेई से मिलेगा। होन उसे उसके पास पड़े रेड बैंड को दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जिस पर जेई उसे पहचानने से मना कर देती है और बताती है कि ये रेड बैंड तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए बनाती हूँ। होन उसे पुरानी यादें याद दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और उनसे खुद को अकेला छोड़ने को कहती है। जेई जब हॉस्पिटल में जाती है तो होन उसका पीछा करने लगता है। सुहेओन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन होन उसे ढकेल कर फिर से जेई के पास पहुँच कर उसका हाथ खींचते हुए उसे फिर से अपनी मेमोरी याद कराने को कहता है। जेई वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि उसे उसके पेशेंट अटेंड करना है, जिससे होन का दिल टूट जाता है और फिर सुहेओन उसे संभालने लगती है। बाहर जाकर सुहेओन होन को जेई की सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्यादा मुस्कुराती नहीं है। फिर उसके हाथ से फोन लेकर होन जेई को उसके मॉम डैड के साथ फोटो दिखाती है, लेकिन ये उसके रियल पेरेंट्स नहीं होते। इससे होन का दिमाग घूमने लगता है, जिससे वो अल्कोहल पीने लगता है और सुहेओन को बताता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ जेई ही पसंद है, जिससे सुहेओन को जेलसी फील होती है। इसीलिए वो होन को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जून हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है और वो मुझे बहुत प्यार करता है, जिस पर होन उसे बोलता है कि जिस तरह जून तुम्हें प्यार करता है वैसे ही मैं जेई से प्यार करता हूँ। तभी कुछ बातों ही बातों में होन बेहोश होने लगती है। इससे सुहेओन उसे संभालते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि सुहेओन को उसकी चिंता हो रही है, मतलब उसके अंदर होन के लिए कुछ फीलिंग्स है, और उसे ऐसा करते हुए जून पीछे से देख लेता है। फिर जून सुहेओन को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। सुहेओन को मालूम था कि जून होन को पसंद नहीं करता, इसलिए वो जून से झूठ बोल देती है। अब जब जून ने होन और सुहेओन को साथ में देख लिया था तो उसे दोनों पर शक होने लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। फिर सुहेओन जेई को कॉल करके उसे वहाँ पर बुला लेती है और उसके साथ वो होन को अपनी मॉम के घर ले जाकर लेटा देती है।
है, लेकिन जब वो उसे लेटा रही होती है तो उनको थोड़ा सा होश आता है और वो सुहैन को जय समझकर उसे अपने पास खींचने लगता है। इस मोमेंट से सुहैन को होन के लिए और ज्यादा फीलिंग आने लगती है। उनकी क्लोजनेस को देखने पर पास में खड़े जय को जलन होने लगती है, इसीलिए वो सुहैन से उनके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। सुहैन उसे बताती है कि होन को मुझ में तुम दिख रही हो, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। अगले दिन हॉस्पिटल में जोन होन को सुहैन से दूर रहने को कहता है, जिस पर होन उसके सामने ही सुहैन की बुराई करने लगता है। ये सुनकर जोन अपना आपा खो देता है और होन का कॉलर पकड़कर उसे कहता है कि अगली बार सुहैन के लिए ऐसा मत बोलना। तभी वहाँ पर सुहैन आ जाती है, जिसे देखकर जोन होन का कॉलर छोड़कर उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर डॉक्टर मून होन को एक जगह पर ले जाकर उसकी हालत के बारे में पूछता है कि क्या जे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर होन उसे बताता है कि जे उसकी गर्लफ्रेंड है और वो हमेशा उसकी ही रहेगी। जे के बारे में और पता करने के लिए डॉक्टर मून एक सिक्योरिटी पर्सन से जे का मेडिकल रिपोर्ट, जो कि एक सीडी में है, उसे मंगवाते हैं, लेकिन वो उन्हें इसे देने से मना कर देता है। इसीलिए होन उसे उस सीडी को चुरा कर अपने लैपटॉप में उसे चलाने लगता है। इस सीडी को देख कर उन्हें पता लगता है कि जे के पास तो दो किडनी है और जो जे होन की गर्लफ्रेंड है उसके पास तो सिर्फ एक ही किडनी है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि साउथ कोरिया वाली जे होन की रियल गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात जानकर होन मुस्कुराने लगता है और जे के साथ अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें वो दोनों साथ थे। उसे याद था कि जब वो दोनों गले लगे थे तो उसे अपनी और जे की हार्ट बीट सेम लग रही थी, इसीलिए इस बात को कन्फर्म करने के लिए होन हॉस्पिटल में मौजूद जे के पास जाकर उसे गले लगाकर उसकी और अपनी हार्ट बीट मैच करने लगता है, जो डिफरेंट होती है। इसका मतलब साफ था कि ये वाली जे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन इससे जी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे खुद से दूर रहने को बोलती है। उसकी इस हरकत के बारे में जब सुहैन उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो होन उससे कहता है कि मैं उसे गले लगाकर उसकी हार्ट बीट चेक कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि जिन दो लोगों की हार्ट बीट सेम होती है वो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। और मजाक मजाक में वो सुहैन की हार्ट बीट चेक करने लगता है कि कहीं तुम तो मेरी सोलमेट नहीं हो। इसके लिए होन उसके गले लग जाता है। सुहैन को होन के लिए फीलिंग होती है और उसकी इन हरकतों से सुहैन अपसेट हो जाती है और होन को एक जोरदार तमाचा मारती है। अगले दिन उन लोगों के पास से प्रेग्नेंट पेशेंट आती है, जिसके बहुत तेजी से खून बहने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा था। जे डॉक्टर किम को बताती है कि अगर इसका ब्लड प्रेशर लगातार गिरता रहा तो ये अपना बच्चा खो सकती है, इसीलिए डॉक्टर किम जुन को कॉल करके उसे इस पेशेंट के बारे में बताने लगता है। इस पर जुन उसकी कंडीशन एनालाइज कर उससे कहता है कि उसके लंग्स और हार्ट के टकराने से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना बेबी खो सकती है। वहीं दूसरी तरफ फोन उस औरत पर हाथ रख वही प्रॉब्लम एग्जामिन करता है जिसे डॉक्टर किम को जून ने बताया था, जिसके बाद होन अपने लोगों के साथ उस लेडी के बेबी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाकी के डॉक्टर होन और उसकी टीम की तारीफें करने लगते हैं। जब होन उस लेडी का ऑपरेशन करने लगता है तो उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड होकर जेई पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि जेई एनेस्थेटिक होती है और उसने उसे एनेस्थीसिया ठीक से नहीं दिया था। जब जेई उसे एनेस्थीसिया दे रही होती है तब सुहैन होन को समझाती है कि अगर जेई उसकी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे उस पर गुस्सा करना नहीं चाहिए। उनकी बातों को इग्नोर करके होन फिर से अपना फोकस ऑपरेशन पर लगाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें उस लेडी और सरप्राइजिंगली उसके दोनों जुड़वा बच्चे की भी जान बच जाती है। उनको देख रहे स्टाफ होन और उसकी टीम को उनके काम के लिए शाबाशी देने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तीन जाने बचाई थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मैन होन के पास आकर उससे कहते हैं कि हमें जे की मेडिकल रिपोर्ट्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं। होन भी उसकी इन बातों को मान जाता है, क्योंकि वो अपनी मेडिकल टीम में जे को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तौर पर ऐड करना चाहता है। तो इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, होन की सोलमेट कौन हो सकती है, सुहैन या फिर जे? और तो और, सुहैन को होन पसंद आने लगा है जबकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन इन सब से हटकर जिसने लिम्बो को किडनैप किया था वो कौन था? और
असली की जय कहाँ थी? ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे सवाल है जिसको इस कहानी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे होन अपनी गर्लफ्रेंड जय को फिर से पाने के लिए मेहनत करता है, जिसमें उसे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें उसकी मदद सुहयुन नाम की एक लड़की कर रही थी। लेकिन होन की मदद करते हुए उससे प्यार होने लगता है और फिर होन को डॉक्टर मून जय के बारे में कुछ और जानने को बोलता है। डॉक्टर मून होन से कहता है कि हमें जय पर फिर से एक मेडिकल टेस्ट कराना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से जय की पहले वाली मेडिकल रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है और इसके लिए उन्हें जय का सिटी स्कैन करवाना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जय साउथ कोरियन है या फिर वो नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंट है। जय का सिटी स्कैन करवाने में उनकी मदद हॉस्पिटल के एक मेंबर करता है, जिसकी मदद से जय खुद का सिटी स्कैन करवाने के लिए मान जाती है। सिटी स्कैन के कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर मून जय की मेडिकल रिपोर्ट जो एक सीडी में मौजूद होती है उसे होन को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ जय साउथ कोरिया के ऑफिसर जीन जो होन से बदला लेना चाहता है उसे खुद के सिटी स्कैन के होने के बारे में बताती है। इस पर जीन उसे केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि उन लोगों के पास अब जय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मून जय को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे कहता है कि उन्हें शक है कि तुम नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंट हो, इसीलिए उन्हें उसका सिटी स्कैन चेक करना होगा। ये देखकर जय उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना ये सब नहीं कर सकते, जिससे होन उसे संभालते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखों में देखने पर होन को जय अपनी गर्लफ्रेंड ही लगती है, लेकिन उसे अभी तक ये कन्फर्म नहीं होता कि ये जय उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल के चेयरमैन मिस्टर चोई वहाँ पर आकर इनको जय की नई मेडिकल रिपोर्ट चेक करने से रोक देता है और उनसे कहता है कि वो किसी के मर्जी के बगैर उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं देख सकते। लेकिन होन जबरदस्ती करते हुए जय की रिपोर्ट देखता है, जिसे देखकर होन शॉक हो जाता है क्योंकि जय के पास दो किडनी होती है, मतलब जय उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पास सिर्फ एक ही किडनी थी। इन सब से जय काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस ऑफिस से चली जाती है। जय के पीछे पीछे चेयरमैन मिस्टर चोई आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में वो किसी से भी कंप्लेन ना करे। तभी उसके पास होन और डॉक्टर मून आते हैं जो उससे इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं। जय उनको माफ करते हुए उनकी रिक्वेस्ट को मान जाती है कि वो उनके बारे में किसी से कंप्लेन नहीं करेगी, जिसके बाद होन अपने क्लिनिक में वापस आ जाता है। होन के पास मिस्टर चोई आता है जो होन से कहता है कि वो कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया जाएगा और उसकी रियल गर्लफ्रेंड जय को ढूंढकर उसके पास ले आएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर चोई होन के डैड चियोल का फ्रेंड है जो जय को ढूंढने में होन की मदद कर रहा है और उसी ने ही लिम को जय की फुटेज दी थी जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के कैंप में मौजूद थी। मिस्टर चोई जय को साउथ कोरिया लाने ही वाला था, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उसके उस कैंप पर पहुँचने से पहले ही जय वहाँ से जा चुके थे और उन्हें तो अभी ये भी मालूम नहीं है कि असल में जय है कहाँ। लेकिन अब होन मिस्टर चोई से कुछ सुनना नहीं चाहता। तभी मिस्टर चोई होन को उसके डैड चियोल के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें नॉर्थ कोरिया भेजा गया था। चियोल ने डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ी पकड़ी थी जिसका सच चियोल पूरी दुनिया को बताने वाले थे। इस बारे में चियोल ने मिस्टर चोई को भी बताया। इस पर मिस्टर चोई चियोल से कहते हैं कि हर किसी इंसान से अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ गलती होती ही है। इस पर चियोल उनसे कहता है कि यहाँ पर डॉक्टर गलती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के हाथों में तो पेशेंट्स की जान होती है। मिस्टर चोई रियलाइज करते हैं कि चियोल अपने इस डिसीजन पर टिका हुआ है। इस पर मिस्टर चोई अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मानते हैं कि उसके अंडर में ही इस हॉस्पिटल में गलतियाँ हो रही है। लेकिन अब चियोल के बारे में कहीं से डॉक्टर ओ को भी मालूम पड़ जाता है। अपने हॉस्पिटल को खतरे में देख चियोल को अपने रिश्ते से हटाने के लिए डॉक्टर ओ साउथ कोरिया के नेशनल डिफेंस कम्युनिटी के एक मेंबर की मदद से चियोल को ये कहकर नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं कि उनकी कंट्री को एक सर्जरी के लिए उनकी जरूरत है। फिर चियोल और उसके बेटे होन को नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद चियोल और होन को नॉर्थ कोरिया से वापस आने नहीं दिया जाता, इसीलिए होन की सलामती के लिए चियोल को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी। और इस बारे में तो मिस्टर चोई को भी पता नहीं चल पाया कि अब उनके दोस्त चियोल के साथ ऐसा हो गया। इसके बाद मिस्टर चोई होन से कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड की
रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनके कुछ सामान उसके पास पड़े हुए हैं। ऐसा कहते हुए मिस्टर चोई उनके डैड का सामान उसे दे देते हैं। इस पर होन उन्हें थैंक्स कहता है और उनसे सवाल पूछता है कि डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल की गलती की वजह से किसका नुकसान पहुंचा है। मिस्टर चोई उसे बताते हैं कि उनके इस गलती में एक बच्चा अनाथ हो चुका था, जिसके पेरेंट्स हॉस्पिटल की गलती की वजह से मर गए और उस बच्चे को अमेरिका में मौजूद एक कपल ने एडॉप्ट कर लिया था। इस पर होन मिस्टर चोई से कहता है कि आप अब अमेरिका जाकर उस बच्चे से उसे अनाथ करने के लिए माफी मांगो, जिसके बाद होन वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि वो जेई को खुद ही ढूंढ लेगा। वहीं दूसरी तरफ सो है उनके डैड, डॉक्टर ओ उसे और जून को डिनर पर बुलाकर उनसे उनकी शादी के लिए उनके फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं। इस पर सुहयोन डॉक्टर ओ को बताती है कि वो जून को पसंद तो करती है, लेकिन उसे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, जिसके बाद वो ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और होन के बारे में सोचने लगती है, जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि उसे होन पसंद आने लगा है। सुहयोन को ऐसे जाते हुए देख जून का शक उसके और होन के रिश्ते पर और गहरा हो जाता है। अगले दिन उस हॉस्पिटल में एक हंगामा हो जाता है जो वही लेडी क्रिएट करती है जिसे होन ने ऑपरेशन करके उसके और उसके जुड़वा बच्चों को बताया था। वो लेडी उन्हें बताती है कि वो अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लेगी क्योंकि उनका हॉस्पिटल उसे उसके बिल पे करने को मजबूर कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे और उसके बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे और ऐसा होने पर उसके बच्चे जिंदा नहीं बच पाएंगे। तब होन जे से इस लेडी के जुड़वा बच्चों के बारे में पूछता है कि इन दोनों बच्चों को क्या हुआ। इस पर जे उसे बताती है कि इन बच्चों के हर ट्यूब में होल है और अगर इनका ऑपरेशन सही टाइम पर नहीं किया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। तभी होन के पास सो है उनके स्टेप ब्रदर सैंग, जो इस हॉस्पिटल का मैनेजर होता है। वो होन से उस लेडी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। इस पर होन सैंग से कहता है कि उस लेडी के बच्चे को ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, लेकिन सैंग उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे उस लेडी से पैसे निकलवाने थे। तभी सुहयोन होन को बुलाती है क्योंकि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। जब होन उस बच्चे को देख रहा होता है तब सुहयोन सैंग को गेट के बाहर रोक कर रहती है ताकि वो उस बच्चे को बचाने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। होन उस बच्चे को CPR देकर उसकी सांस चालू करवा देता है, जिससे उसका हार्ट पंप होने पर वो बच्चा बच जाता है। होन ने एक बार फिर अपने सच्चे डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, जिससे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में फिर से आ सका। वहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ डॉक्टर ओ की साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर जेंग से मीटिंग होती है। जेंग उन्हें बताता है कि उसे हार्ट सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उसे स्किल्ड डॉक्टर की टीम चाहिए जिनसे जेंग अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा सके। प्राइम मिनिस्टर जेंग के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ओ दो टीम को सिलेक्ट करती है, जिन टीम का लीडर जून और होन होंगे, जिनके बीच एक कॉम्पिटिशन होगा और जो भी टीम उस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर जेंग का ऑपरेशन करेगा। दूसरी तरफ होन को पता लगता है कि जेंग जिसका उसकी टीम को ऑपरेशन करने के लिए कॉम्पिटिशन करना है, ये वही आदमी है जिसने डॉक्टर ओ के साथ मिलकर होन और उसके डैड की लाइफ बर्बाद की थी, जिसे होन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर चोई को प्राइम मिनिस्टर जेंग की सर्जरी करने को मना कर देता है कि वो जेंग की हार्ट सर्जरी नहीं करना चाहता, जिसके बाद होन जून के पास जाकर अपनी हार मान लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद होन जेंग का ऑपरेशन करने के लिए एक शर्त पे मान जाता है और इस शर्त में बात ये होती है कि वो कॉम्पिटिशन में भाग तभी लेगा जब उस लेडी के ट्विंस बच्चे, जिनके होन ने जान बचाई थी, उन्हें हॉस्पिटल फ्री में ट्रीटमेंट देगा। उसकी ये बात हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मानना पड़ता है, जिसमें उन्हें उन जुड़वा बच्चों का फ्री में ऑपरेशन करवाना होगा। थोड़ी देर बाद होन हॉस्पिटल के ही टॉयलेट में मौजूद जेंग को अपना गुस्सा दिखाता है, जिसमें वो उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरे डैड को खोना पड़ा, और होन उसे धमकी देता है कि मैं ही तुम्हारी सर्जरी करूंगा जिसमें तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। जेंग के सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर के लिए खतरे का आभास हो जाता है, जिससे वो उस टॉयलेट का गेट तोड़ने लगते हैं। जेंग होन को बताता है कि मैंने ही तुम्हें अपना ऑपरेशन करने के लिए चुना है, जबकि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और अगर तुम जून से कॉम्पिटिशन में नहीं जीत पाए तो जय को तकलीफ पहुँच सकती है। जिसके बाद होन जय के पास जाता है और उसे कहता है कि हम सच में एक कपल है। जय को देखकर हमें पता चलता है कि वो
वो उनको कुछ बताना चाह रही है, लेकिन उस पर जीन ने नजर बनाए रखी होती है, इसीलिए वो उससे कुछ कह नहीं पाती। मिस्टर चोई होन को बताते हैं कि इस हॉस्पिटल के गलती की वजह से जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खोया था, जिसे अमेरिकन कपल ने अडॉप्ट किया था, वो असल में जून ही है जो डॉक्टर ओ के साथ काम कर रहा है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब नॉर्थ कोरिया से भागते हुए उनके हाथ से जय नदी में गिर गई थी, तब जय को नॉर्थ कोरियंस ने उसे वहाँ से बचाकर एक कैंप में डाल दिया था, और जब मिस्टर चोई उसे लेने वाले थे तब तक जीन होन से बदला लेने के लिए जय को उस कैंप से ले जा चुका था। जीन का मकसद जय को प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करने के लिए उसे वहाँ पहुँचाना था, लेकिन उसका मेन प्लान क्या है ये हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ा। कुछ समय बाद जीन जय को बताता है कि उससे प्राइम मिनिस्टर जैंग ने होन की मॉनिटरिंग करने के लिए मना करा है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए जून की टीम को चुना है, और वो तुम्हें जून की टीम में जाने को कह रहे हैं ताकि उनके ऑपरेशन के वक्त तुम वहाँ मौजूद रहो। दूसरी तरफ जैंग का राइट हैंड टाई जैंग को समझा नहीं पा रहा है कि जैंग को अब करना क्या चाहिए। डॉक्टर्स की दोनों टीम कॉम्पिटिशन के लिए अपनी अपनी तैयारियाँ करने लगती है। जून की टीम में मौजूद डॉक्टर उन जून को उसके बॉयफ्रेंड को उसकी टीम में उसे फर्स्ट असिस्टेंट के तौर पर उसे लेने को बोलती है, लेकिन जून उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी टीम में फर्स्ट असिस्टेंट सोहयोन होती है। सोहयोन सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए होन से मदद मांगती है, जिससे होन उसे सर्जरी की प्रैक्टिस करवाने लगता है। जिनको दूर से प्रैक्टिस करते हुए देख रहे जय और जून को उनको एक दूसरे के पास में खड़े देख जलन हो रही होती है। सोहयोन के जाने के बाद जय होन के पास आती है और उससे इस कॉम्पिटिशन में अपना 100% लगाने को बोलती है ताकि वो जीत जाए, लेकिन होन जय से अपसेट होकर उससे कहता है कि वो एक मतलबी लड़की है जिसके लिए अपने पेशेंट की जान से ज्यादा पैसे जुड़ रही है। होन की इन कड़वी बातों को सुनकर जय वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जून सोहयोन को बताता है कि उसने फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट से उसे हटाकर डॉक्टर उन के बॉयफ्रेंड को रख लिया है, क्योंकि जून को होन और सोहयोन के साथ में देखकर काफी बुरा लगा है। सोहयोन को जून पर विश्वास नहीं होता कि वो उस पर कभी ऐसे सवाल उठाएगा, जिससे अपसेट होकर सोहयोन अपने ऑफिस में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जून उसे एक अच्छा डॉक्टर नहीं समझता। सोहयोन को परेशान देखकर उन उसके पास आता है और उसे अपनी टीम की फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर आने के लिए हाथ बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जीन जय के साथ कहीं जा रहा होता है। जीन जय को बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कहे अनुसार नहीं चलने वाले, इसीलिए हमें अपने पुराने प्लान पर वापस आना होगा, और ये प्लान क्या है ये हमें आगे जाकर मालूम पड़ेगा। जिसके कुछ देर बाद वो प्राइम मिनिस्टर जैंग के राइट हैंड टाई के पास पहुंचते हैं। टाई उन दोनों को बताता है कि जय प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करेगी, जिसके लिए उसे उनकी डिसाइड की हुई टीम में जाना होगा, लेकिन जय उसे मना कर देती है कि वो उसका कहना नहीं मानेगी। इस पर टाई जय पर गन तान देता है, और जैसे ही वो उसका ट्रिगर दबाने वाला होता है तो जय टाई पर ही उसकी गन तान देती है। टाई के लोग जय पर भी गन तान देते हैं। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जैंग आता है और जय से कहता है कि अगर जय अपनी सच्चाई बता दे तो हम लोग जय के साथ उसके ही प्लान पर काम करेंगे। इस पर जय उनके गार्ड्स को वहाँ से जाने को बोलती है। गार्ड्स के जाने के बाद जय अपनी असल सच्चाई बताती है कि वो होन की ही बचपन की असली गर्लफ्रेंड है। होन ने जो उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया था उसका कट का निशान उसने छुपा दिया था, जिससे उसकी सच्चाई आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ी। उसकी सच्चाई जानकर जैंग को होन के लिए अफसोस होने लगता है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जैंग जय के ही प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाता है, जिसमें होन और उसकी टीम ही जैंग का ऑपरेशन करेंगे। जब जय वहाँ से जा रही होती है तभी उसे जीन आकर बताता है कि अगर होन उस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाया तो होन की और तुम्हारी तुम दोनों की जान जाने का खतरा होगा। अगले दिन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उन दोनों टीम को ट्विन बच्चों में से एक बच्चे दिए जाएंगे, और जो सबसे पहले ऑपरेशन खत्म करके बच्चे को बचाएगा वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। जून और उसकी टीम बच्चे को एनेस्थीसिया देकर उसका ऑपरेशन चालू कर देते हैं, लेकिन होन की टीम अभी तक ऑपरेशन चालू नहीं कर पाती। इस पर डॉक्टर मून होन से उसके ऑपरेशन में देरी होने का कारण पूछती है। होन उसे बताता है कि उनकी एनेस्थीसिस्ट जय अभी तक आई नहीं है, जिससे वो बहुत जल्दी हार भी सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जय आती है और उसके आते ही ये लोग ऑपरेशन चालू कर देते हैं। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए
खून की टीम के पास सिर्फ 45 मिनट ही होते हैं। जिस टाइम फ्रेम में अगर खून की टीम ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाई तो बच्चे की जान जा सकती है। लेकिन कुछ देर बाद जब खून की टीम के पास 9 मिनट का ही टाइम बचा होता है, तभी टाइम के प्रेशर में आकर सुहेउन से एक गलती हो जाती है, जिसमे वो उस बच्चे की एक ब्लड वेसल काट देती है। सुहेउन को पैनिक में आता देख उन उसे डांटने की बजाय उसे शांत रखने की कोशिश करता है ताकि वो सर्जरी कंप्लीट कर सके। जेई को जीन की वार्निंग याद आने लगती है, जिसे जीन ने जेई को कल रात बताई थी कि अगर हुन कंपटीशन नहीं जीत पाया तो हुन के साथ जेई की जान को भी खतरा है। लेकिन हुन की टीम के सर्जरी कंप्लीट करने से पहले ही जून की टीम सर्जरी कंप्लीट करके अपना कंपटीशन जीत जाती है। अब हुन और उसकी टीम कंपटीशन हार चुकी थी, लेकिन वो फिर भी पैनिक करे बगैर सर्जरी आगे बढ़ाकर सक्सेसफुल उस बेबी की जान बचा लेते हैं, जो उनके लिए कंपटीशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हुन उस कंपटीशन को हार चुका था, इसीलिए जीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो हुन और जेई को मार डालेगा। इसीलिए जब जेई हुन के पास जाकर उसे शूट कर रहा होता है, तभी जेई हुन को जीन के पास से खींचकर उसे अपने सच बताने लगती है। लेकिन जेई को अपने बारे में हुन को बताने से पहले ही वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें सारे डॉक्टर्स को तुरंत आईसीयू सेक्शन में बुलाया जाता है, जहाँ पर जून की टीम ने ट्विन ब्रदर्स में से एक बच्चे को ऑपरेशन किया था। उस बच्चे को उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे उस पर जान का खतरा और ज्यादा मंडराने लगता है। इसीलिए उस बच्चे के लिए डॉक्टर्स को उसका एक और ऑपरेशन करना होगा, जिसका मतलब ये है कि जून इस कॉम्पिटिशन को हार चुका है। जिसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए हुन और उसकी टीम उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां करने लगती है। लेकिन हुन को जून रोक देता है और उसे कहता है कि वो उस बच्चे से दूर रहे, क्योंकि वो उसका पेशेंट है, इसीलिए वो ही उस बच्चे का ऑपरेशन करेगा। जून उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल कर उसे बचा लेता है, लेकिन अब वो अपना कॉम्पिटिशन हार चुका था। जून के हारने पर डॉक्टर ओ काफी अफसोस करते हैं, इसीलिए डॉक्टर ओ को अब हुन से पीछा छुड़ाना है। लेकिन जब तक हुन प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी नहीं कर देता, तब तक डॉक्टर ओ को हुन को अपने पास ही रखना होगा। दूसरी तरफ जेई जीन के पास जाती है और उसे डांटने लगती है, क्योंकि अगर जीन हुन को मार देता तो उनका मिशन खतरे में आ सकता था। लेकिन जीन उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि वो ही डिसाइड करेगा कि वो हुन को मारेगा कि नहीं। उधर हुन जेई को ढूंढने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी हुन को जेई हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए दिखती है, इसीलिए वो अपने ट्रक से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जेई तो खुद हुन के क्लिनिक आई होती है, इसीलिए जेई से बात करने हुन अपने क्लिनिक जाकर जेई से मिलता है। जेई उसे बताती है कि वो ही उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड जेई है। ये सुनकर हुन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उससे ये पूछता ही नहीं कि जेई ने उससे झूठ क्यों बोला। हुन को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड अब सालों इंतजार करने के बाद मिली थी, और फिर दोनों किस करते हुए एक दूसरे के फिर से मिलने पर सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अगले दिन हुन और जेई दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जब दोनों एक पॉट पर होते हैं तो हुन जेई को बताता है कि अब हम दोनों इस कंट्री को छोड़कर बाकी की जिंदगी साथ में बिताएंगे। लेकिन कंट्री छोड़ने से पहले जीन और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जीन हुन को अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो उसके साथ ही काम करने वाला नॉर्थ कोरिया का एक ऑफिसर था, और हुन के कारण ही उसे उसके देश से निकाल दिया गया, जिसका बदला वो जरूर लेगा। जब हुन उसकी बातों को सुनकर उसे पहचान रहा होता है, तभी जीन का ही आदमी हुन पर एक रॉड से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब हुन को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। हुन के सामने ही जीन जेई को लाकर जेई को टॉर्चर करते हुए उसके कपड़े फाड़ने लगता है। हुन जीन को ऐसा करने के लिए मना करता है। उसके कहने पर जीन जेई को दूसरे कमरे में भेजने के बाद हुन के बाल पकड़ता हुआ उससे कहता है कि तुम ही प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करोगी और किसी को भी जेई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताओगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जेई को मार डालेगा। जिसके बाद जीन हुन के सर पर वार करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। हुन के बेहोश होते ही इस सीरीज का पार्ट 2 भी यहीं पर खत्म होता है। हुन की भी किस्मत कितनी बुरी है, अपनी गर्लफ्रेंड जेई से मिलने के बाद जेई उससे फिर से दूर हो जाती है। जेई को फिर से पाने के लिए हुन को प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हुन जेई से फिर मिल पाएगा? और अगर हुन और जेई मिल भी जाते हैं तो सुहेउन के दिल में जो हुन के लिए अरमान जागे थे उसका क्या होगा?
होगा। इस मजेदार सीरीज के पार्ट टू में हमने देखा कि कैसे हुन को उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड जई वापस मिल जाती है, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन जब हुन जई के साथ साउथ कोरिया छोड़कर अपने लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहा होता है, तभी उसके बीच में जेन आ जाता है। जेन हुन से बदला लेने के लिए उसके सामने ही जई को टॉर्चर करके हुन को प्राइम मिनिस्टर जैंग का ऑपरेशन करने के लिए मनाने लगता है। जियन हुन से कहते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, नहीं तो जियन जेई को मार देगा, जिसके बाद जियन हुन को बेहोश कर देता है और उसे बेहोशी की हालत में जेई के कार में छोड़ देता है और जेई को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन हुन की नींद जेई की कार में खुलती है तो वो अपने आसपास जेई को ढूंढने लगता है। जब हुन को जेई कहीं नहीं मिलता तो वो सोयुन को कॉल करके जेई के बारे में पूछता है। सोयुन उसे बताती है कि जेई तो उसके साथ एक पार्टी में है, जिसके थोड़ी ही देर बाद हुन उस पार्टी में पहुंच जाता है और जेई को साइड में ले जाकर उसे अपनी अगली स्ट्रेटेजी के बारे में पूछता है, जिसमें या तो वो जियन से बचने के लिए कंट्री छोड़कर भाग सकते हैं या फिर पुलिस को सरेंडर कर दे। इस पर जेई हुन से कहती है कि हम जियन से नहीं बच सकते हैं क्योंकि उसके साथ प्राइम मिनिस्टर जैंग है, जो हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। इसीलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए जियन की बातों को मानते हुए प्राइम मिनिस्टर जैंग की सर्जरी करनी होगी। जेई हुन से कहती है कि मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए बहुत इंतजार किया है और अब मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती, इसीलिए हमें जियन की बातों को मानना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जून डॉक्टर ओ के पास पहुंचकर उसे उसके और हुन के बीच फिर से कंपटीशन करवाने को कहता है और वो कहता है कि मैं अब आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर ओ कुछ भी जवाब नहीं देता है। इस पर जून तेज बारिश में डॉक्टर ओ के सामने घुटने के बल बैठकर उससे एक बार फिर से कंपटीशन करवाने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी लगन को देखते हुए डॉक्टर ओ उसे एक और मौका देने के लिए मान जाते हैं और अब इस कंपटीशन में हुन एक 45 साल की लेडी को चुनता है। इस लेडी के हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जिसमें हुन को उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। कुछ ही समय में हुन अपनी सर्जरी स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऑपरेशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल इस पेशेंट को हार्ट के साथ साथ ब्लड के क्लॉट जमने की भी बीमारी थी, जिसके बारे में हुन को बताया नहीं गया था और इस कारण से इस पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस और भी ज्यादा कम होते जाते हैं। लेकिन हुन हार नहीं मानता और इस मुश्किल सर्जरी को आगे बढ़ाने लगता है। सर्जन पेशेंट के हार्ट को निकालकर उसकी जगह दूसरा हार्ट लगा देते हैं। इस सर्जरी के प्रोसेस को ऑपरेशन थिएटर में बैठे डॉक्टर ओ और उनके साथ कुछ और डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। ऑपरेशन के बीच में ही हुन का हाथ एक आरी की वजह से कट जाता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। लेकिन हुन अपनी परवाह करे बगैर अपने ग्लव्स को बदलकर ऑपरेशन कंटिन्यू रखता है, लेकिन हुन का खून बहुत ज्यादा बहने लगता है, जिसके कारण उसका ग्लव पूरी तरह से खून से भर जाता है। इसीलिए एक नर्स हुन के हाथों पर स्टेचेस लगाती है। हुन को इस ऑपरेशन के लिए एक और सर्जन की जरूरत होती है, इसीलिए वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलकर जेई से सर्जरी करने के लिए मदद मांगता है। लेकिन जेई अपने से लेस स्किल्ड डॉक्टर किम को हुन की मदद करने के लिए भेज देती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोयुंग आकर जेई को कहती है कि मैं हुन की सर्जरी में मदद करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर जेई सोयुंग से कहती है कि तुम हुन को पसंद करती हो, इसीलिए तुम उसकी मदद करने पर तुली रहती हो। लेकिन सोयुंग जेई की बातों को नजरअंदाज करके हुन की टीम में मदद करने हुन के पास पहुँच जाती है। अब जिस हाथ से हुन सर्जरी कर रहा था उसके उस हाथ पर चोट लगने की वजह से वो सर्जरी ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हुन अब अपने लेफ्ट हैंड से उस पेशेंट की सर्जरी करने लगता है। और ये सीन देखकर उस ऑपरेशन को देख रहे साइड व्यूवर्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस पेशेंट की सर्वाइवल रेट कम है उसका ही हुन अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से सर्जरी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जून को भी एक पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होता है, जो उसके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि वो इस टाइप के ऑपरेशन बहुत बार कर चुका था। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद जून अपने पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि वो उस हार्ट को पंप करके अपने पेशेंट की जान बचा सके। ऐसा ही करते हुए जून अपने पेशेंट की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हुन भी अपने पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता है और अब हुन उस हार्ट को पंप करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उस पेशेंट के हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिक शॉक देने पर हुन के पेशेंट का हार्ट पंप करने लगता है, जिससे हुन के पेशेंट की जान बच जाती है और उसका भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनने पर हुन अपनी टीम के हर एक मेंबर को हग करने लगता है और जब हुन सोयुंग को हग करता है तो सोयुंग भी हुन को टाइटली हग करती है। उन्हें ऐसा करते हुए आसपास के सारे स्टाफ देख रहे होते हैं, जिसके बाद हुन अपने पेशेंट की फैमिली को ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की खुशी देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ओ हुन के इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को देख
देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीलिए वो अपने बेटे सैंग से हुन के पेशेंट की फैमिली को यह कहने को कहता है कि हुन जो एक नॉर्थ कोरियन है उसने इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए रिस्की प्रोसीजर फॉलो किया था, जिसके लिए हुन ने अपने पेशेंट की फैमिली से कंसेंट नहीं लिया था। और हुन एक ऐसा डॉक्टर है जो अपनी स्किल्स का शो ऑफ करने के लिए अपने पेशेंट की जान दांव पर लगाता है। जब सैंग हुन के पेशेंट की वाइफ को ऐसा कहता है तो वो लेडी गुस्से में आकर हुन से उसके इस रिस्की प्रोसीजर का जवाब मांगती है, जिस पर हुन उस लेडी से कहता है कि हमारे पास पेशेंट को बचाने के लिए इतना टाइम नहीं होता जिससे हम आपसे कंसेंट ले सके। लेकिन लेडी हुन की बात नहीं मानती और वो हुन से अपने हस्बैंड को जगाने को कहती है ताकि वो लेडी पता कर सके कि उसके हस्बैंड की हालत सही है या नहीं। हुन उस लेडी से कहता है कि हम हमारे पेशेंट की मुश्किल सर्जरी करने के बाद उसे 4 दिन तक नहीं उठा सकते। उसी समय दूसरी तरफ जुन ने जिस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो अब तक सही सलामत होश में आ चुका था। इस बात पे हॉस्पिटल की कमेटी एक मीटिंग रखती है जिसमें हुन से ऑपरेशन में रिस्की प्रोसीजर लेने पर उस पर फिर से सवाल उठाए जाते हैं। हुन उन्हें भी वही जवाब देता है जो उसने अपने पेशेंट की वाइफ को दिया था कि उसके पास अपने पेशेंट को बचाने के लिए इतना टाइम नहीं होता जिसमें उस पेशेंट की वाइफ से कंसेंट ले सके। इस बात पर जुन हुन से तरह तरह के क्वेश्चंस कर उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है और हुन को उसके पेशेंट को जगाने के लिए कहता है। तभी हुन को ICU में उसके पेशेंट के पास बुलाया जाता है। हुन अपने पेशेंट के पास पहुंचकर देखता है कि शोयुंग उसके पेशेंट जबरदस्ती जगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब वो हुन पर उंगलियां उठते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए शोयुंग हुन को बचाने के लिए उसके पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इससे हुन के पेशेंट को कार्डिक अटैक आने लगते हैं जिस कारण उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। लेकिन शोयुंग उस पेशेंट पर बिना रुके इलेक्ट्रिक शॉक देती ही जाती है जिससे उस पेशेंट का हार्ट फिर से काम करने लगता है। उस पेशेंट की वाइफ अपने हस्बैंड पर ये सब होता देख हुन पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद हुन शोयुंग को वहाँ से बाहर ले जाकर बहुत डांटता है। तभी शोयुंग हुन को बताती है कि वो उसे प्यार करने लगी है, इसीलिए जब सब लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे तो उन्हें देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने सारी सिचुएशन को अपने हाथ में लेने का सोच लिया। इस पर हुन शोयुंग से कहता है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसा कहते हुए हुन उसे मना कर देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसके ही डैड डॉक्टर ओन ने उसके और उसके डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हुन के मुंह से ये सब सुनकर शोयुंग रोने लगती है क्योंकि उसे हुन के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन शोयुंग को तो अभी तक पता भी नहीं था कि हुन किसी और से प्यार करता है। हुन शोयुंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है जिससे शोयुंग को काफी ज्यादा हर्ट होता है। इस पर वो और भी ज्यादा रोने लगती है जिससे जेई ही उसे संभालती है। खुद को संभालते हुए शोयुंग अपने डैड डॉक्टर ओ के हुन और उसके डैड की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हुन के क्लिनिक अपने डैड की तरफ से उससे माफी मांगने के लिए चली जाती है। वहीं पर वो हुन और जेई के साथ में खींची हुई फोटोज को देखती है जिससे वो ये समझ जाती है कि हुन और जेई एक साथ रिलेशन में है। थोड़ी देर के बाद हुन अपने क्लिनिक पर जेई के साथ आ जाता है। शोयुंग गुस्से में हुन के क्लिनिक से जाने लगती है। शोयुंग के बाहर निकलते ही हुन शोयुंग को रोकता है और उससे समझाता है कि वो उसे चाहकर भी अपनी असल सच्चाई नहीं बता सकता। अगले दिन हॉस्पिटल में दो गैंगस्टर अपनी छोटी सी चोट को सही करवाने के लिए आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सीरियस पेशेंट को देखने जाना था। इस पर एक गैंगस्टर उस डॉक्टर को मारने लगता है जिससे शोयुंग आकर उसे रोकती है, तो वो गैंगस्टर शोयुंग को भी एक थप्पड़ मारता है जिससे शोयुंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी उस गैंगस्टर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी वहाँ पर शोयुंग को बचाने के लिए हुन आता है और उन गैंगस्टर को पीटने लगता है। फिर वहाँ पर उन गैंगस्टर का बॉस भी आ जाता है जिसे हुन पहचान लेता है। दरअसल उनका बॉस हुन का ही पेशेंट था। उनके बॉस का एक बार हुन ने अपने क्लिनिक में ऑपरेशन किया था और उसकी जान बचाई थी। फिर हुन इस मैटर को अपने हाथ में लेकर इस मामले को सुलझा देता है जिससे वो सारे गैंगस्टर हॉस्पिटल से चले जाते हैं। गैंगस्टर के जाने के बाद हुन और शोयुंग के बीच कुछ बातें होती है जिसमें शोयुंग हुन को बताती है कि उसे ये अच्छा नहीं लगता कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। हुन शोयुंग से माफी मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो शोयुंग को शांत करने की कोशिश करता है। वही हुन और शोयुंग को साथ देखकर जेई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि कहीं शोयुंग के हुन की लाइफ में आने पर उनकी लाइफ पर कोई बुरा असर ना पड़े। दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन से हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ये कंक्लूड करता है कि जुन की ही टीम प्राइम मिनिस्टर जियांग की हार्ट का सर्जरी करेगी। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ओ के बाद जुन ही इस पूरे हॉस्पिटल का नया मालिक होगा और तो और जुन अब प्राइम मिनिस्टर जियांग का डॉक्टर होगा। उसी रात प्राइम मिनिस्टर जियांग जुन को बुलाकर उसे
उसे एक फाइल देते हैं और वो कहते हैं कि वो इस फाइल को डॉक्टर ओ को डिनर के टाइम दे दे। जब जुन उस फाइल को खोलता है तो उसे उसमें डॉक्टर ओ और उसके बेटे सैंग की करी हुई सारी चोरी और जालसाजी के बारे में पता चल जाता है, जिससे उन्होंने अपने हॉस्पिटल की नई ब्रांच को ओपन किया था। उसी रात जुन डॉक्टर ओ और सोयोंग के साथ डिनर करता है, जिसमें डॉक्टर ओ जुन और सोयोंग से उनकी शादी के बारे में फिर से पूछता है। सोयोंग अपने डैड को इशारा करके बता रही होती है कि अब उसे जुन पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ओ उसे इशारा करके कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। डॉक्टर ओ के जाने के बाद जुन सोयोंग को कहता है कि हुन ही उसके लिए अच्छा पर्सन है, जो उसे प्यार भी करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। जिसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जुन को डॉक्टर ओ के हॉस्पिटल का नया मालिक बनाने और उसे प्राइम मिनिस्टर जियांग के ऑपरेशन करने के लिए डिसाइड किया जाएगा। पार्टी के बीच में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डॉक्टर ओ के बेटे सैंग को चोरी और जालसाजी के केस में अरेस्ट कर लेती है और वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद हुन जुन को बताते हैं कि डॉक्टर ओ की वजह से ही तुम्हारे मॉम डैड की मौत हुई थी, जिस कारण तुम अनाथ हुए थे। तभी हमें हुन और जुन की बातों से ये पता चलता है कि जुन ने ही डॉक्टर ओ के बेटे सैंग को अरेस्ट करवाया है और ये तो बस अभी शुरुआत है। जिसके बाद जुन डॉक्टर ओ के पास जाता है और उससे कहता है कि किसी ने आपके हॉस्पिटल की नई ब्रांच की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर दी है, जिस वजह से बैंक अब आपकी नई ब्रांच के लिए और लोन नहीं दे सकते, और तो और बैंक अब अपना दिया हुआ पैसा भी वापस मांग रही है, और उस आदमी ने जर्नलिस्ट से आपका पूरा प्लान शेयर भी कर दिया है। खुद को और अपने हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचता देख डॉक्टर ओ को हार्ट अटैक आने लगता है। तभी जुन उसे ये रिवील करता है कि जिस आदमी ने बैंक को आपकी जालसाजी और चोरी की डिटेल्स दी है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं तुमसे अपने मॉम डैड का बदला लेकर रहूँगा, तुम्हें इस तरह डुबाने का प्लान मेरा ही था। इतना सुनते ही डॉक्टर ओ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सोयोंग आ जाती है, जो अपने डैड को जमीन पर पड़ा हुआ और उसके पास में जुन को देखकर यही समझती है कि उसके डैड की ये हालत का जिम्मेदार जुन है। सोयोंग जुन को डॉक्टर ओ की इस कंडीशन का जिम्मेदार ठहराते हुए अपने डैड डॉक्टर ओ को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है। सोयोंग के मुँह से इस तरह की बात सुनकर जुन को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वही डॉक्टर ओ को तुरंत ही ट्रीटमेंट मिल जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन फिर भी सोयोंग जुन को ही अपने डैड की इस हालत का जिम्मेदार समझ रही थी। जुन सोयोंग से इस इंसिडेंट पर माफी मांगते हुए हॉस्पिटल से अपनी पोस्ट से रिजाइन मार देता है। जब जुन जा रहा था तो जुन को रोकने के बजाय सोयोंग उससे कहती है कि तुम मुझे अपना फेस दोबारा कभी मत दिखाना। हॉस्पिटल से निकलने से पहले जुन हुन के ऑफिस में जाता है, जहाँ जाकर जुन हुन से अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि जुन डॉक्टर ओ से बदला लेने के लिए ही डॉक्टर बना था। लेकिन हुन के आते ही उसे अपने डॉक्टर की लाइफ में पेशेंट्स की इम्पोर्टेंस का पता चला। हुन जुन को जाने से रोकता है और उसे कहता है कि सोयोंग अभी नहीं तो कुछ समय के बाद उसे समझ जाएगी। लेकिन जुन हुन से कहता है कि मैं इस काम पर खुद को माफ नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए जुन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ओ को होश आ जाता है। वो होश में आते ही सोयोंग से जुन के बारे में पूछते हैं, जिस पर सोयोंग उनसे कहती है कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की। तभी डॉक्टर ओ सोयोंग को बताते हैं कि जब उसे हार्ट अटैक आया था तो जुन ने ही उसे CPR देकर बचाया था। ये सुनते ही सोयोंग को रियलाइज होता है कि उसने तो जुन पर फालतू का गुस्सा कर दिया। इस पर सोयोंग जुन को रोकने के लिए जाती है, लेकिन तब तक जुन जा चुका था और जब तक डॉक्टर ओ की हेल्थ में सुधार नहीं आ जाता तब तक सोयोंग उसके हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है। उधर हुन की लाइफ भी अब पलटने लगती है। जई हुन से कहती है कि वो उससे अब और प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि हुन ने जई के डैड की जान बचाने की बजाय जई की जान बचाई, जिसके बाद जई हुन को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। इस पर हुन जई को अपने अच्छे दिनों की याद दिलाता है। ये देखकर जई रोने लगती है और हुन उससे कहता है कि वो उसे अपनी लाइफ से इसीलिए दूर करना चाहती है ताकि हुन सेफ रहे, क्योंकि जई उनकी लाइफ में चल रही सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार खुद को समझती है। जिसके बाद हुन जई को संभालते हुए उसे शांत करता है। कुछ समय के बाद प्राइम मिनिस्टर जियांग का राइट हैंड टेई हुन के पास आता है और उससे कहता है कि उसे प्राइम मिनिस्टर जियांग की जगह प्रेसिडेंट चैंग का ऑपरेशन करना है। प्रेसिडेंट चैंग का ऑपरेशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जियांग ने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी है। प्राइम मिनिस्टर जियांग प्रेसिडेंट चैंग के ऑपरेशन के लिए एक अच्छे से डॉक्टर की टीम चाहता है जो उसका कहना माने, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट चैंग की जगह खुद को रखकर सर्जरी के सारे इंतजाम किए। दरअसल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जियांग का प्लान प्रेसिडेंट चैंग को ऑपरेशन के वक्त मारने का होता है, ताकि जियांग साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट बन जाए।
जब एक दिन हुन की प्रेसिडेंट चैन के साथ मीटिंग होती है तो वो चैन को उसके ही मर्डर के बारे में बताने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन हुन प्रेसिडेंट चैन से प्राइवेट बातें नहीं कर पाता। और जब हुन को प्रेसिडेंट चैन से बात करने का मौका मिलता है तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर चैन आकर डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि हुन प्रेसिडेंट चैन को उनके मर्डर के बारे में ना बता सके। प्रेसिडेंट चैन ऑपरेशन के पहले हॉस्पिटल को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हुन ने सर्जरी की सारी तैयारियां कर ली थी। प्रेसिडेंट चैन से दूसरे हॉस्पिटल का ओनर कहता है कि वो तभी बच सकता है जब उस पर सेवर प्रोसीडर किया जाए, जिस प्रोसीडर को सिर्फ डॉक्टर हुन ही कर सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट चैन हुन को ही अपना सर्जरी डॉक्टर अपॉइंट करते हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर चैन को बहुत खुशी होने लगती है क्योंकि अब उसे उसका मिशन सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा था। जब प्रेसिडेंट चैन हुन से अपना सीटी स्कैन चेक करवा रहा होता है तब उन्हें हुन बताते हैं कि आपकी हालत और भी ज्यादा खराब है। इस पर प्रेसिडेंट चैन हुन से उसके ऑपरेशन की सक्सेस रेट पूछता है। हुन उन्हें बताता है कि आपकी हालत इतनी खराब है कि मैं आपके हेल्थ की गारंटी नहीं दे सकता, अब आपका बचना ऊपर वाले पर ही निर्भर करता है। जब प्रेसिडेंट चैन हुन से मीटिंग कर रहे होते हैं तभी उनके चेस्ट में पेन होने लगता है, जिससे उन्हें तुरंत ही सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की हेल्थ खराब होने पर प्राइम मिनिस्टर चैन को देश का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जब चैन कैबिनेट में मीटिंग कर रहा था तभी उसके पास मैसेज आता है कि प्रेसिडेंट चैन का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जिससे अब उनकी जान को और कोई भी खतरा नहीं है। थोड़ी देर के बाद चैन प्रेसिडेंट चैन के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट की तबीयत अब खराब होने लगी है, जिसमें कुछ देर के बाद उनकी जान चली जाएगी। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है और खुद पर प्राउड करते हुए उनको बताता है कि आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो गया। लेकिन तभी प्रेसिडेंट चैन अपनी आँख खोलते हैं, जिससे चैन को बहुत तगड़ा वाला शॉक लगता है। प्रेसिडेंट चैन चैन को बताते हैं कि उन्हें चैन के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन चैन को सजा देने के बजाय प्रेसिडेंट चैन उसे माफ कर देता है और उसे अपना काम करने को कहता है। ये देखकर हुन और जेई खुद को खतरे में पाते हैं। इस पर प्रेसिडेंट उनसे कहते हैं कि अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर चैन कुछ नहीं कर सकता, जिससे हुन और जेई को राहत मिलती है। जब प्राइम मिनिस्टर चैन हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए अपनी कार में बैठता है तो उनके ड्राइवर सीट पर बैठा नॉर्थ कोरिया का ऑफिसर जीएन चैन के चेस्ट पर गोलियों की बारिश करके वहाँ से भाग जाता है। हुन देखता है कि प्राइम मिनिस्टर चैन की सांसें अभी भी चल रही है, इसीलिए हुन उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। प्रेसिडेंट चैन को हुन के बारे में पता था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर चैन ने हुन और उसके डैड की लाइफ बर्बाद की थी, इसीलिए प्रेसिडेंट चैन हुन को एक और मौका देते हैं जिसमें वो चैन को ऑपरेशन के बीच में मार सकता है और वो हुन पर चैन को मारने पर कोई चार्जेस नहीं लगाएगा। लेकिन हुन एक डॉक्टर है जिसकी ड्यूटी अपने पेशेंट की जान बचाना है, न कि उनकी जान लेना, और एक डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता कि उसका पेशेंट उसका दुश्मन है या दोस्त, हुन फिर भी अपने पेशेंट की जान बचाएगा। यहाँ पर हुन अपने अच्छे डॉक्टर होने का सबूत देता है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जब हुन और जेई साथ में एक ब्रिज पर घूम रहे होते हैं तभी उन पर जेई बदला लेने के लिए गोलियां चलाने लगता है। एक पुराना सीन यहाँ पर फिर से क्रिएट होता है जिसमें जेई हुन को बचाने के लिए सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेती है, और इस बार जेई अकेली नहीं कूदती, अब जेई के साथ साथ हुन भी उस ब्रिज से कूद जाता है और फिर जेई और हुन दोनों साथ मिलकर जीएन से बचते हुए नदी में कूद जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जुन डॉक्टर ओ और सोयुंग के पास अपनी की हुई गलती पर उनसे माफी मांगने के लिए आता है। इस पर डॉक्टर ओ और सोयुंग जुन को माफ कर देते हैं। एक दिन जुन सोयुंग को किसी से मिलाने के लिए लेकर जाता है जो असल में हुन होता है, जो अभी भी जिंदा था। सोयुंग हुन से जेई के बारे में पूछती है। हुन उसे बताता है कि जेई को कंट्री छोड़कर चाइना जाना पड़ा क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट उसे यहाँ रखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेई नॉर्थ कोरिया की स्पाई एजेंट है। और फिर हमें 4 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जुन की मदद से जेई साउथ कोरिया वापस आ जाती है ताकि वो अपनी बची कुची जिंदगी साउथ कोरिया में हुन के साथ बिता सके। जब जेई और हुन मिल रहे होते हैं तो उन्हें दूर से सोयुंग और जुन एक दूसरे का हाथ पकड़कर देख रहे होते हैं, जिसके बाद दोनों कपल्स अपनी जिंदगी बड़े आराम से जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के।